काय पिए रे जेनी सर दारू मगर दो गिलास पिए है दो गिलास लीजिए मीडिया फोटो लीजिए दो गिलास पिए या दो गिलास मत बता दो गिलास बस उसके बाद जेल भेज दीजिए बस मीडिया पूरा ले लीजिए उसके बाद जाएंगे कहाँ शराब शराब कहाँ मिला तुमको शराब कहाँ मिला इसका तमा एक घंटा बाद बोलेंगे अभी नहीं बोलेगा निशा टूटेगा ना हाँ सही सही बोलेंगे अगर गलत रहा ना अभी शराब शराब के नशा में है तुम हमको हमको कुछ पते नहीं कुछ पते नहीं बिहार में शराबबंदी है और शराबी नशे में धुत। बिहार के लखीसराय से आई इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम आप भी यही कहेंगे, जहां इन दो शराबियों ने घंटों तक ड्रामा मचाया। ताजा मामला लखीसराय जिले के कवैया थाने और हलसी थाने से आई है, जहां पुलिस दो दारूबाजों को पकड़कर मेडिकल जांच करवाने सदर अस्पताल लाई थी। वहीं शराब के नशे में धुत दोनों शख्स ने जमकर घंटों हंगामा सदर अस्पताल में मचाया। पहला मामला लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के संसार पोखर का है, जहां हंगामा कर रहे शंभू ठठेरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये नशे में धुत घर पर हंगामा कर रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा दारूबाज हलसी थाना क्षेत्र के कैंदी से संदीप विश्वकर्मा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान शख्स ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए, साथ ही खुलेआम दारू बिकने की बात कहकर हंगामा मचाता रहा। परिवार के सामने लाया है, मेरे बाल बच्चा के सामने लाया है। पहचान उसको भी चिन्ह है, पहचान अगर राजा के महिला में उसको अकड़ी क्या है? कुछ नहीं अकड़ी, उसको छोड़िए। पुलिस और सदर अस्पताल चिकित्सक दोनों ने ही शराब पीने की घटना की पुष्टि की है। अरे हम नहीं देंगे, हम थाना से लाए हैं, लाया है दारू का जितना गाड़ी जाता है ये पैसा तहसीलदार ही टोटल टोटल टोटल। क्या हुआ सर बता दीजिए ना, खाली नशा की हालत में इसकी पत्नी पकड़वाया है। ओ, इसकी पत्नी पकड़वाया तो इसको कहाँ पर थे? उसके घर से लाए। दो तो पेशेंट आया है, एक कवैया से एक हलसी से। हलसी से जो आया है उसका नाम है संदीप विश्वकर्मा, उसका दारू पीने का मामला है, दारू पिए हुए है, अल्कोहल कंसंट्रेशन 1.46 आया है संदीप विश्वकर्मा का। और उसके पहले आया था शंभू ठठेरा कवैया थाना से जी। उसका भी अल्कोहल कंसंट्रेशन पॉजिटिव है। उसका कितना था सर? उसका भी 1.56 के अराउंड था। इधर साबित होता है कि शराब पिए हुए था। शराब पिए हुए, हंगामा भी कर रहा था। हंगामा भी गाली गलौज कर रहा था। जांच करके पुलिस के हाथ भेज दी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद सूबे में शराब के इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण पाया नहीं जा सका है। प्रशासन की ओर से शराब की तस्करी या फिर उसका सेवन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके बावजूद शराब की तस्करी और दारू पीने वालों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, जिसका नतीजा ये है कि आए दिन ऐसे शराबियों की वीडियो वायरल हो जाती हैं। ये थी लखीसराय से विनोद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।